चैनल टेक जीनी एंड आप देख रहे हो कि मैं हूँ फोन वर्ल्ड कैफे में, जो कि एक सैमसंग का ऑफिशियल पार्टनर है। एंड मेरे साथ है फोन वर्ल्ड के ओनर मिस्टर पंकज पारेख, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस का रिव्यू करने के लिए। तो यस फ्रेंड्स, आई एम सुपर एक्साइटेड टू रिव्यू दिस ऑल न्यू फोन जो अभी सैमसंग ने रिसेंटली अनवील किया है। तो अभी हम क्विकली इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में कौन से नए और यूनिक फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब शुरू करने से पहले अगर आप लोग ने मेरी चैनल टेक जीनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने आप सबको बोला कि अब है मेरे पास नोट 10 प्लस, तो यस ये है नोट 10 प्लस का बॉक्स एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉक्स पे सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 का ब्रांडिंग किया है। उसके अलावा फ्रंट में ऑफकोर्स उसके एस पेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है एंड बॉक्स के पीछे देखे तो एज यूजल यहाँ पे बॉक्स के कंटेंट्स दिए हैं, बेसिकली थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस हाईलाइट किए हैं। बट विदाउट वेस्टिंग टाइम क्विकली ये बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये इस बॉक्स को ओपन किया तो ऑफकोर्स ऑफिशियली ये स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग नहीं हो रहा है, बट फिलहाल हम देख रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस के बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट्स रहेंगे। तो जब आप बॉक्स ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा ये सैमसंग का पाउच, यहाँ पे ऑफकोर्स सिलिकॉन कवर जो आजकल हर एक स्मार्टफोन का ट्रेंड बन गया है एंड उसके अलावा यहाँ पे रहेगा वारंटी गाइड एंड क्विक स्टार्ट गाइड एंड साथ में आप देख सकते हो कि इसके पीछे रहेगा यहाँ पे सिम कार्ड इजेक्टर टूल। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं ये स्मार्टफोन के सिलिकॉन कवर को भी लेके, तो ऑफकोर्स ये स्मार्टफोन एकदम प्रीमियम स्मार्टफोन है, बट हालांकि सिलिकॉन कवर जनरली हर एक स्मार्टफोन में जैसा आता है वही क्वालिटी का दिया गया है। तो यस फाइनली यहाँ पे है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। यस मैं स्पेसिफिकली प्लस बोल रही हूँ बिकॉज मेरे हाथ में प्लस वेरियंट ही है, अब तक नोट 10 का वेरियंट हाथ में नहीं आया है। तो यस अब फाइनली मेरे हाथ में है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस एंड देखा जाए तो वाकई ये सुपर स्टाइलिश स्मार्टफोन है जैसा सैमसंग ने प्रॉमिस किया था। मेरे हाथ में जो डिवाइस है वो ऑरा ब्लू कलर का है, आप देख सकते हो कि कितना सुपर स्टाइलिश एंड अमेजिंग लगता है ये स्मार्टफोन। बट फिलहाल ये स्मार्टफोन को मैं ऑन किया है और फिलहाल साइड में रख दिया, देखते हैं कि दूसरे क्या कंटेंट्स हैं। तो ये है यहाँ पे है कि अडेप्टर जहाँ से आप ये स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो, तो ऑफकोर्स आप अडेप्टर के फ्रंट में देखोगे तो लिखा है सुपर फास्ट चार्जिंग, यहाँ पे आपको 25 वॉट्स का चार्जिंग भी मिलता है। बट नोट 10 प्लस में एक और एडवांटेज है कि आपको यहाँ पे 45 वॉट्स तक का भी फास्ट चार्जिंग मिल सकता है। इसके अलावा यस देयर इज बेस्ट पार्ट है ये स्मार्टफोन का कि अगेन यहाँ पे आपको AKG के ईयरफोन्स मिलते हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल फंक्शंस भी दिए गए हैं, आप यहाँ से ऑफकोर्स आपके सॉन्ग्स प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी AKG ईयरफोन्स का जो साउंड सिस्टम है वो एक अनदर लेवल पे ही होता है एंड सैमसंग के ईयरफोन्स का एक बेस्ट पार्ट है। एंड इसके अलावा यहाँ पे है दूसरा बॉक्स तो जहाँ पे आपको मिलता है 3.1 रिवर्सेबल USB केबल, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई माइक्रो USB पोर्ट नहीं दिया गया है नीडलेस टू से। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक और छोटू सा बॉक्स दिया गया है, तो देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। फ्रेंड्स, इन से एक नोट सीरीज का स्मार्टफोन है तो ऑफकोर्स यहाँ पे सैमसंग ने दो एक्स्ट्रा निब्स दिए हैं, अगर आपके स्टाइलस का निब बिगड़ गया तो यहाँ पे रिप्लेसेबल दो एक्स्ट्रा निब्स भी दिए गए हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोगों ने बॉक्स के सारे कंटेंट्स अंदर डाल दिए, बॉक्स को साइड में रखते हैं, फोकस करते हैं अभी हमारे नोट 10 प्लस पे। तो आप देख सकते हो कि यस फोन अभी रीस्टार्ट मोड पे है, तो हम फटाफट इसको सेट कर लेते हैं, यहाँ पे सब क्लिक करके फटाफट हम प्रोसीड कर लेते हैं, स्किप 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 करके हम फाइनली फ़ोन को चालू कर लेते हैं। डेट एंड टाइम भी आज का हम लोग सेट कर लेते हैं, सो टुडे इज 13 अगस्त, अब बजे है शाम के 6:30, वो भी हम लोग सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाके अभी फटाफट हम लोग ने टाइम सेट कर लिया है, अभी आगे आगे प्रोसीड करके सब स्किप करके एक्सेप्ट करके फ़ोन को फाइनली ऑन कर दिया है। सबसे पहले ही पूछता है कि प्रोटेक्ट योर फ़ोन, अब हम चेक कर लेते हैं ये स्मार्टफोन पे फिंगरप्रिंट सेंसर लगा के, तो ये रहा फिंगरप्रिंट, ओके करके कंटिन्यू किया। पहले ऑफकोर्स बेसिक पैटर्न करना पड़ेगा जो अभी हम लोग ने सेट कर लिया है एंड उसके अलावा यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्कैन बोल रहे हैं मेरे फिंगरप्रिंट को करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि फटाफट से मेरा फिंगरप्रिंट ऐड हो गया है, पर फिलहाल हम लॉगिन पॉइंट को स्किप कर लेते हैं बिकॉज फ़ोन के फीचर्स को देखना है। एंड फाइनली फिनिश हो गया, फ़ोन कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। पहले सबसे पहले मैं जाके सेटिंग्स में, यहाँ से हम जाते हैं सेटिंग्स में, अगेन हम जाते हैं बायोमेट्रिक सिक्योरिटी पे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर एडेड है। तो यस अभी हम लोग फ़ोन को लॉक करते हैं, यहाँ से क्विक लॉक किया,
टैप किया एंड यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे देखा 1, 2 एंड यस फोन क्विकली अनलॉक हो गया। अगेन आप देख सकते हो 1, 2, 3 के काउंट के पहले ही फोन अनलॉक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड एक और अच्छी बात है कि सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन में जो अनलॉक पे एनिमेशन होते हैं वो थोड़े रिड्यूस कर लिए हैं, तो थोड़ा बहुत और डिसेंट हो गया है स्मार्टफोन का अनलॉक सिस्टम फंक्शन करना। तो खैर ये है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 सुपर स्टाइलिश स्मार्टफोन, देख सकते हैं जिसके बैक में एंड फ्रंट में दोनों में ग्लास दिया गया है, साइड में है यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम। अगर हम लोग नोट 10 प्लस के टॉप पे देखते हैं तो यहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है, यहाँ पे एक माइक्रोफोन है सेकेंडरी एंड ये है आपका सिम का ट्रे। उसके हम लेफ्ट पैनल में देखते हैं तो यहाँ पे आपके आ जाते हैं वॉल्यूम बटन्स एंड यहाँ पे इसका पावर बटन एंड हार्ड प्रेस करने पे यहाँ पे होता है बिक्सबी फंक्शन चालू होता है। एंड एक और फंक्शन ये पावर बटन का अच्छा दिया गया है कि अगर आप इसे डबल टाइम टैप करोगे तो यहाँ पे आपका कैमरा चालू हो जाता है। तो कैमरा तो डेफिनेटली हम बाद में देखते ही है, बट फिलहाल हम कैमरा को एग्जिट कर लेते हैं। फिलहाल हम कैमरा को एग्जिट कर लिया एंड देखते हैं ये स्मार्टफोन के बॉटम पे। तो अगर ये स्मार्टफोन के बॉटम में देखते हो तो अगेन यहाँ पे माइक्रोफोन है, ये आपका रिवर्सेबल यूएसबी पोर्ट्स दिया गया है एंड यहाँ पे है आपके प्राइमरी स्पीकर ग्रिल्स एंड यस ये है आपका सैमसंग का नोट 10 का एस पेन जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर में है। एंड कहा गया है कि एस पेन यूनिबॉडी में बनाया गया है तो ऑफकोर्स प्रीवियस एस पेन से काफ़ी स्टर्डी होने वाला है। तो फिलहाल इसको अंदर पुश कर दिया एंड देखते हैं यहाँ पे बैक पैनल में 3 कैमरास दिए गए हैं, साथ में सेंसर भी दिया गया है, LED फ्लैश भी है एंड यस ये स्मार्टफोन के फ्रंट में यहाँ पे है पंच होल जहाँ पे उसका फ्रंट कैमरा प्लेस किया गया है। एंड अगर हम लोग S10 के साथ भी कंपेयर करें जहाँ पे उसके प्रीमियम स्मार्टफोन में राइट साइड पंच होल दिए गए थे वो भी 2, बट उसके कंपेरिजन में यहाँ पे जो सेंटर में पंच होल का प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसकी वजह से ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सिमेट्री में लग रहा है। एंड उसके अलावा अगर हम लोग ये पंच होल का प्लेसमेंट भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है प्रीवियस स्मार्टफोन से। एंड अगर आप देखते हैं यहाँ पे टाइम एंड बैटरी इंडिकेटर नेटवर्क इंडिकेटर तो काफ़ी कुछ यहाँ पे एक अलाइनमेंट में लग रहा है जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन के डिस्प्ले पे व्यू करना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले इंप्रेशन आते हैं स्मार्टफोन के वॉलपेपर के, तो ऑफकोर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉलपेपर सैमसंग ने दिया है जो कहीं ना कहीं आपको एक सूदिंग फीलिंग भी देता है। एंड बात करते हैं ये स्मार्टफोन के वेट के बारे में, ट्रस्ट मी कि स्मार्टफोन पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। हालांकि मेरे हाथ में नोट 10 प्लस ये स्मार्टफोन दिया गया है तो डेफिनेटली मेरे नॉर्मल हैंड के लिए पाम्स के लिए काफ़ी बड़ा है, बट जिसको स्मार्टफोन हॉरिजॉन्टली यूज़ करने की आदत है उनके लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं ये स्मार्टफोन के दूसरे डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये स्मार्टफोन के हम डिस्प्ले को लेके, इसके डिज़ाइन को लेके तो ऑलरेडी हम लोग ने बात कर लिया है कि ये जो नोट 10 है स्मार्टफोन ये दूसरे नोट 10 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। यस आई रिपीट बिकॉज ये जेन्यूनली काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। इसके अलावा डिस्प्ले को लेके बात करें तो एक बड़ा वेरिएंट है मेरे हाथ में जो कि है 6.8 का, यहाँ पे आपको 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो भी मिलता है। एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन में 1080 का स्क्रीन रेजोल्यूशन दिया गया है। एंड इसके अलावा यस ये स्मार्टफोन की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये स्मार्टफोन में डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। रिपीट माई सेल्फ, डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले, बिकॉज सैमसंग ने अपने डिस्प्ले में एक नया फीचर ऐड किया गया है। तो यस जो डिस्प्ले में से हार्मफुल ब्लू लाइट एमिट होती है तो डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस भी करता है ताकि आपकी आईज़ को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। एंड अगर आपको रात को भी ये स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो इसकी वजह से आपके आईज़ पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा इस डिस्प्ले के वजह से। तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है सैमसंग के एंड से। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको HDR10+ डिस्प्ले भी मिलता है, तो इन ट्रू सेंस यहाँ पे आपको एक काफ़ी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप कुछ भी व्यू कर रहे हो ये स्मार्टफोन में। एंड अगर हम लोग ये स्मार्टफोन के सेटिंग्स में जाके वॉलपेपर्स भी देखते हैं तो आप देख सकते हो कि काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने वॉलपेपर चेंज करके भी दिया, कलर्स यूज़ किए हैं वॉलपेपर पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिए गए हैं। एंड ऑफकोर्स ये स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो पर्सनली आई एम इन लव विद द स्मार्टफोन का डिस्प्ले। अब इम्पॉर्टेंट बात करते हैं ये स्मार्टफोन के एस पेन को लेके। तो यस हमेशा नोट का फोकस रहा है उसके एस पेन को एनहेंस करने के लिए। एंड ऑफकोर्स ये एस पेन में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुए हैं। आप देख सकते हो कि ये एस पेन के थ्रू आप काफ़ी सारे ऐप्स को ओपन भी कर सकते हो, आप इससे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हो, और तो और ये एस पेन के थ्रू आप म्यूज़िक भी कंट्रोल कर सकते हो। और इसके लिए आपके स्मार्टफोन के स्क्रीन को टच करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे एक नया फंक्शन ओपन किया है जो कि है एयर फंक्शन। आपको सिर्फ क्या करना है कि एस पेन पे ये बटन दिया गया है उसको पकड़ के आपको सिर्फ जेस्चर करना है,
जिसकी वजह से आप सारे फंक्शनिंग कंट्रोल कर सकते हैं एस पेन के। तो ये तो बात थी एस पेन की, जिसके जेस्चर कंट्रोल्स तो हम डेफिनेटली बाद में देखेंगे, बट एक बेसिक जेस्चर कंट्रोल जो आप ऑफकोर्स आप सबको पसंद आएगा वो है कैमरा ऐप का। तो अगर आप इस एस पेन के बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो आपका कैमरा ऐप चालू हो जाता है। अभी आपने देखा डबल टाइम प्रेस किया तो ऑफकोर्स कैमरा के बीच में चेंज भी होता है, एंड इसके अलावा अगेन कैमरा ऑन होता है एंड उसमें आपने हार्ड प्रेस किया तो यहाँ पर आपका पिक्चर भी क्लिक हो जाता है। तो फिलहाल हम कैमरा ऐप से एग्जिट करते हैं, ये एस पेन को वापस से अंदर डाल देते हैं। एंड यस, जब तक आपका एस पेन ये स्मार्टफोन में अंदर रहेगा तभी एस पेन भी चार्ज होते रहेगा अपने आप ही। अब हम बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के दूसरे फीचर्स को लेके। तो सबसे पहले हम जाते हैं स्मार्टफोन में अबाउट द फोन के बारे में बात कर लेते हैं एंड सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो नीडलेस टू से ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 9 पाई पे रन करेगा एंड साथ में ये स्मार्टफोन में उसका खुद का वन यूआई वर्जन दिया गया है एंड इसके अलावा यहाँ पे नॉक सिक्योरिटी भी दी गई है। अगर हम ये स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन बार को भी देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से फंक्शन करता है। एक बार डाउन करने से पूरा नोटिफिकेशन बार आता है, डबल टैप टैप करने से आपको यहाँ पे आपके दूसरे मैसेजेस जो भी है नोटिफिकेशन दिखते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये तो बात थी ये स्मार्टफोन के ओएस वर्जन को लेके। इसके अलावा ये स्मार्टफोन के हम रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के लेके भी हम बात करते हैं। तो ये स्मार्टफोन में आपको 8GB एंड 12GB रैम वेरिएंट्स भी मिलते हैं विद 256GB 512GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। एंड ये इंटरनल स्टोरेज को आप 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो अगेन विच इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। तो अगर आपको कुछ भी हैवी डेटा स्टोर करना है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये स्मार्टफोन काफ़ी बिजनेसमैन यूज़ भी करते हैं। तो आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी है तो भी कोई वारी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। एंड अब बात कर लेते हैं ये स्मार्टफोन के बैटरी को लेके। तो सिंस ये एक नोट 10 प्लस है तो ये स्मार्टफोन में आपको 4300 मिली एम्पर की बैटरी मिलती है। एंड यस, एज आई सेड कि यहाँ पे 45 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। एंड एक और वेरियंट है उसका छोटा वेरियंट जो कि है नोट 10, वहाँ पर आपको 3500 मिली एम्पर की बैटरी मिलेगी। तो अब बात हो गई हमारी ओएस को लेके, बैटरी को लेके, इसके स्क्रीन एंड डिस्प्ले को लेके। एस पेन का भी बेसिक फंक्शनैलिटी तो हम लोग ने देख ही लिया है। तो व्हाट इज द अदर रीजन कि ये नोट 10 को अलग करता है दूसरे स्मार्टफोन के कंपैरिजन को लेके? तो ये है ये स्मार्टफोन का कैमरा। तो यस, ये स्मार्टफोन में एज आई सेड कि बैक पैनल में 3 कैमरा दिया गया है। प्राइमरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल सेंसर्स वाला, वहाँ पे आपको वेरिएबल अपर्चर मिलता है 1.5 टू 2.4 तक। उसका जो दूसरा कैमरा है टेलीफोटो लेंस वाला वो अगेन है 12 मेगापिक्सल वाला। एंड इसमें एक और थर्ड कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल सेंसर्स वाला एंड वो बेसिकली अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। तो अभी हम देखते हैं कि ये स्मार्टफोन का कैमरा फंक्शनिंग कैसा है। तो यस, ये हम लोग ने कैमरा ऐप को ओपन किया है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी ये स्मार्टफोन उसके नॉर्मल वाइड एंगल लेंस भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया है। इसके अलावा हम जाते हैं यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में। इसके अलावा ये स्मार्टफोन में ऑफकोर्स दूसरे फीचर्स भी मिलेंगे। यहाँ पे लाइव फोकस का फंक्शनैलिटी भी दिया गया है। यहाँ पे आपका प्रोफेशनल मोड दिया गया है जहाँ पे आप अपना अपर्चर को सेट कर सकते हो एंड दूसरे भी फीचर्स को सेट कर सकते हो। पैनोरामा व्यू दिया गया है। नाइट मोड के लिए भी एक अलग से फूड दिया गया है एंड ऑफकोर्स अगर आप फूड ब्लॉगर हो एंड आप एकदम फूडी हो एंड आपको हर एक फूड आइटम्स को पिक्चर्स क्लिक करना पसंद है तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप फूड मोड पे जाके क्लिक पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हो। एंड इसके अलावा सुपर स्लो मोशन एंड हाइपरलैप्स का फंक्शनलिटी भी दिया गया है। तो अब हम देख लेते हैं कैमरा के आउटपुट क्या है। अभी तो हम लोग ने मेन कैमरा से इमेजेस क्लिक कर लिया है तो अब हम देखते हैं इसके रिजल्ट्स। तो ये जो है, जो ये लास्ट पिक मैंने क्लिक किया था वो है टेलीफोटो लेंस यूज़ करके। तो ये सब देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इमेज कैप्चर हुआ है, एकदम डिटेलिंग हुआ है, एकदम डिटेल्स कैप्चर हुए हैं ये स्मार्टफोन में। एंड इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट इमेज पे स्वाइप करें तो आप देख सकते हो कि जो ये जो इमेज है वो सुपर वाइड एंगल लेंस से कैप्चर किया था। फिलहाल तो मैंने इनडोर में कैप्चर किया है ये इमेज, बट ऑफकोर्स आप आउटडोर पर भी जब कैप्चर करोगे ये इमेज को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड क्वालिटी एंड शार्पनेस के बारे में तो कोई भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आराम से यस, ये आपको एक अच्छा शार्पनेस, अच्छा क्वालिटी, अच्छा इमेज कैप्चर होता है इन द एंड। एंड ये है जो नॉर्मल हम लोग ने एंगल वाइड एंगल लेंस से इमेज कैप्चर किया है तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इमेज कैप्चर होता है। तो ये तो थी ये स्मार्टफोन के मेन कैमराज के बारे में बात। इसके अलावा ये सैमसंग ने स्मार्टफोन के वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम एवर आप वीडियो में भी एक ऑब्जेक्ट को फोकस करके बैकग्राउंड भी ब्लर कर सकते हो। तो यहाँ पे भी उसमें भी 4 डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं। तो हम लोग हर एक मोड का क्विक फंक्शनिंग देख लेते हैं।
ये जो है वो आपका सिंपल मोड था, उसमें कोई भी नहीं था, आप सिर्फ बैकग्राउंड में ब्लर कितना रखना है वो आप देख सकते हो। ये जो सेकंड फीचर है तो बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो, जैसे कि इंडिकेट करता है कि फोकस में रख के बैकग्राउंड ब्लर कर देता है, बट हालांकि एक यहाँ पे यू नीड अ पर्सन जो आप यहाँ पे हम दिखा सकते हैं या फंक्शनिंग को। एंड इसके अलावा ये जो थर्ड उसका सेटिंग दिया गया है, यह भी बहुत अच्छे से काम करता है कि जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके कलर को एज इट इज़ रिटेन करके बैकग्राउंड को कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट कर देता है। एंड इसके अलावा ये दूसरा फीचर है, आप देख सकते हो कि यू नो एक टेलीविजन टाइप का इफेक्ट देता है यहाँ पे। तो यस, ये जो फोर डिफरेंट इफेक्ट्स है वीडियो में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नए फीचर्स है जो सैमसंग ने इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। ये तो बात थी फ्रंट कैमरा को लेके, अब हम बात करते हैं ये स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा को लेके। यहाँ पे हम लोग ने कैमरा को स्विच कर लिया है एंड यस, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मेरा जो कैमरा है यहाँ पे वो एक नॉर्मल मोड पे है एंड ऑफकोर्स यहाँ पे एक वाइडर एंगल लेंस भी दिया गया है, तो आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट होता है। तो बेसिकली कैमरा में तो एक ही लेंस दिया गया है बट बैकग्राउंड में जूम इन जूम आउट करने की फंक्शनैलिटी दी गई है। एंड अगर हम लोग फ्रेंड्स फ्रंट में इमेज कैप्चर करते हैं एंड इसका रिजल्ट भी देखते हैं तो यस, आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में कैप्चर किए, हेयर स्ट्रेंथ तो है ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चुकी है, बट उसके अलावा आप देख सकते हो कि थोड़े बहुत फेशियल हेयर्स भी दिखते हैं। तो इसके क्लैरिटी इज अमेजिंग एंड एक्सेप्शनली वेरी गुड ये स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की भी। तो अभी हम लोग ने कैमरा फंक्शनलिटीज देख भी ली एंड अब दूसरे यूनिक फीचर के बारे में बात करते हैं। तो ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में आपको यहाँ पे डेक सपोर्ट भी मिलता है। तो बेसिकली ये जो USB कनेक्टर है वहाँ पे आप डेक USB केबल लगा के आप अपने स्मार्टफोन को कंप्यूटर जैसे भी यूज कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अब काफी ज़्यादा इजीली बना भी सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे एक और सबसे मेन बात थी सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस को लेके कि फर्स्ट टाइम एवर सैमसंग ने नोट 10 में एक और वेरिएंट लॉन्च किया है। तो बेसिकली नोट 10 एक वेरिएंट है, नोट 10 प्लस जो मेरे हाथ में है ये एक और वेरिएंट है। नोट 10 है वो एक छोटा सा वेरिएंट है जो कि है 6.3 इंच स्क्रीन वाला एंड ये है 6.8 इंच स्क्रीन वाला। इसके अलावा फ्रेंड्स हम वापस बैटरी को लेके बात करते हैं, तो एज आई सेड इन द बिगनिंग कि स्मार्टफोन में 4500 mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी ये साथ में ये भी क्लेम करती है कि अगर आपने ये स्मार्टफोन को सिर्फ आधे घंटे चार्ज किया, यानी कि सिर्फ 30 मिनट्स ये स्मार्टफोन को चार्ज किया, तो आपका ये स्मार्टफोन फुल डे आराम से चल सकता है। तो काफ़ी अच्छी बात है ये स्मार्टफोन को लेके। इसके अलावा ऑफकोर्स यहाँ पे स्मार्टफोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है कि ये स्मार्टफोन का बैक भी ग्लास का है एंड साथ में ये स्मार्टफोन में पावर शेयरिंग फंक्शनैलिटी भी दी गई है, तो ऑफकोर्स आप दूसरे डिवाइसेस के साथ पावर शेयर भी कर सकते हैं ये स्मार्टफोन के थ्रू। तो ये तो फ्रेंड्स हम लोग ने देख ही लिया नोट 10 प्लस के जो बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, फंक्शनैलिटीज है उसके बारे में। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट्स के बारे में भी। तो मेरे जो हाथ में है कलर वेरिएंट है ऑरा ब्लू कलर का वेरिएंट, इसके अलावा ये स्मार्टफोन में ऑरा ब्लैक कलर वेरिएंट भी है जो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है एंड साथ में ये दो न्यू करंट वेरिएंट्स भी आने वाले हैं जो कि ऑरा रेड एंड ऑरा वाइट, बट वो फिलहाल लॉन्च नहीं होने वाले हैं, वो थोड़े टाइम बाद मार्केट में आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग को लेके। जो नोट 10 होने वाला है सबसे बेस वेरिएंट वो रहेगा 70,000 का, बेसिकली 69,999, जहाँ पे आपको 256 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। जो अगर हम बात करते हैं नोट 10 प्लस की, तो 256 GB वाले वेरिएंट का प्राइस 80,000 रहेगा जो कि है 79,999 एंड जो उसका प्रीमियम वेरिएंट रहेगा 512 GB वाला, उसका प्राइस रहेगा 89,999 जो कि है बेसिकली 90,000 ओनली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप नोट 10 खरीदोगे भी तो इसके साथ आप गैलेक्सी वॉच एक्टिव भी ले सकते हो एंड वो भी हाफ प्राइस में जो कि है ऑलमोस्ट 10,999 ओनली एंड साथ में आपको 6,000 rupees का कैशबैक ऑफर भी मिल सकता है HDFC डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड में। तो फ्रेंड्स अब मैं वापस मिस्टर पंकज के साथ हूँ एंड सबसे पहले अगर मैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस के बारे में बात करूँ तो हम लोग ने देखा कि ये स्मार्टफोन कितना ज़्यादा अमेजिंग है। सबसे बेस्ट पार्ट है ये स्मार्टफोन की कि हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि स्मार्टफोन का प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा रहेगा बट ऐसा नहीं है एंड सैमसंग ने स्मार्टफोन का प्राइसिंग एकदम स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया है। तो ऑफकोर्स आप लोग को एक प्रीमियम स्मार्टफोन चाहिए, आपका बजट है कुछ 70,000 के आसपास, तो डेफिनेटली तभी भी आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक और फीचर ये स्मार्टफोन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो यस ये स्मार्टफोन गेमर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये स्मार्टफोन में आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर भी मिलता है एंड साथ में सैमसंग का लेटेस्ट एक्सिनोस 9825 का चिपसेट मिलता है,
तो कहीं पे भी अगर आप गेम खेल रहे हो तो ये स्मार्टफोन के लैग होने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है एंड ना ही ये स्मार्टफोन जल्दी ही हीटअप होगा। एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन का एसपेन फंक्शनलिटी तो है ही, इसके साथ साथ आप एक और मल्टीपल एसपेन भी ऐड कर सकते हैं दूसरे डिवाइस के एसपेन के साथ भी ये स्मार्टफोन में आप फंक्शनिंग कर सकते हैं। एंड नीडलेस टू से कि ये स्मार्टफोन का कैमरा इज एक्सेप्शनली वेरी गुड। तो ऑन एंड होल सैमसंग का ये नोट 10 प्लस एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकेज है, अच्छा डील है एंड डेफिनेटली आपको एक प्रीमियम स्मार्टफोन चाहिए तो आपको ये स्मार्टफोन खरीदना ही चाहिए। तो यस, अगर आप लोग को ये डिवाइस देखना है, एक हैंड्स ऑन रिव्यू लेना है तो ये डिवाइस फोन वर्ल्ड कैफे में रखा है डिस्प्ले पे, जहाँ पे आप आके ये डिवाइस देख के हैंड्स ऑन रिव्यू ले सकते हैं। फ्रेंड्स, फोन वर्ल्ड इज इन मुंबई कांदिवली, प्लीज डू विजिट अवर स्टोर एंड गेट एक्साइटिंग ऑफर्स फ्रॉम माई स्टोर और pre-book also. You can do a pre-booking also on in my store. Thank you Mr. Pankaj Parekh for inviting me and to do the hands-on review of Samsung Galaxy Note 10 Plus. And agar aap sab log ko mera ye video pasand aaya hoga to please meri channel Tech Genie ko subscribe karna na bhule. Thank you for watching my video.